नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा हो मायने नहीं रखता है, क्योंकि इंसान जिस हिसाब से जितना पैसा कमा रहा होता है उस हिसाब से सही तरीके से ही अपना घर बनवाना चाहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कम पैसे वाले तो अक्सर मासूम होते हैं, और यहाँ भी इस साइट पे भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये दो बेडरूम का छोटा सा एक घर बनाया जा रहा है, और इस तरीके के जो घर बनाए जाते हैं दोस्तों, इसके इन्वेस्टमेंट को और थोड़ा सा कम किया जा सकता है, बशर्ते थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाए। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस घर में कॉस्ट कटिंग किस तरह से की जा सकती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जो कुछ गलतियाँ की गई है इस छोटे से साइट में भी कुछ बहुत गलती है जो कि आपको करने से बचना चाहिए। सबसे पहला चीज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, नीचे से ये स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्राउंड बीम है, ठीक है, तो मिस्त्री क्या करते हैं कि जमीन के ऊपर एक ईंट रखते हैं और उसके ऊपर दोस्तों यहां पे बीम की ढलाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं समय के साथ जमीन में और इस बीम के नीचे लगा हुए ईंट के बीच में गैप आ रहा है, ठीक है, और ये चीज़ हमारे स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है, क्योंकि अंदर जो मिट्टी भरा हुआ है दोस्तों, अभी इसमें और मिट्टी जाएगा, ठीक है, और समय के साथ ये गैप बढ़ना नहीं चाहिए। इसके बाद क्या करना होगा, आपको इधर से मिट्टी डालना होगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, जो ये बीम है दोस्तों, ये बीम का ये 4 से 5 इंच जो नीचे वाला हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ होना चाहिए, और उसके नीचे ये ब्रिकवर्क होना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चीज़ दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो खिड़की दिया गया है 3x3 का दिया गया है, और जाहिर सी बात है आजकल अधिकांश लोग जो है वो स्लाइडिंग विंडो लगाना पसंद कर रहे हैं, मतलब कि इनका 1.5 फीट ही खिड़की मैक्सिमम खुल सकता है, 1.5x3 फीट खिड़की इनका खुला रहेगा, चूँकि आधा स्लाइडिंग करने के बाद में दोनों पल्ला तो यहीं रहेगा दोस्तों, तो ये पूरा ब्लॉक रहेगा। तो इसलिए स्लाइडिंग विंडो जब भी लगाते हैं दोस्तों, तो एक एवरेज साइज 4x4 रखिए, उससे आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन छोटा करने के बारे में सोचना आदमी को नहीं चाहिए, क्योंकि 4x4 का करेंगे तो 2 फीट आपको ओपन एरिया यहाँ से मिल सकता है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये जो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड बीम है, ये लिंटल बीम जो है ये थ्रू आउट पूरे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खिड़की का ओपनिंग्स है, जो दरवाजे का ओपनिंग्स है, जो खिड़की का ओपनिंग्स है, उसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे लिंटल बीम दिया जा सकता है। बाकायदा यहाँ पे टाई बीम दिया गया है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम को जो बीम जोड़ता है उसे हम टाई बीम कहते हैं। लिंटल बीम उसे कहते हैं जो सिर्फ ओपनिंग्स के ऊपर में ये बीम दिया हुआ है ना, ये लिंटल लेवल पे इसको लिंटल बीम बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से यहाँ का फिर ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ख़ास तौर पे दोस्तों इधर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो बीम दिया गया है, ये पूरा थ्रू आउट जो बीम दिया गया दोस्तों, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर थंब रूल की भी मानते हैं तो यहाँ से फर्स्ट लेवल से अगर इसकी ऊँचाई देखें छत की, तो लगभग 10 से 10.5 फीट मैक्सिमम रहता है, और अगर हम थंब रूल की भी बात करते हैं तो उसके अनुसार ये ऊँचाई एक बीम से दूसरे बीम की ऊंचाई 12 फीट से एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 10 फीट 10.5 फीट 11 फीट तक रहता है, तो इस बीम और उस बीम के बीच में कोई बीम अगर बीच में नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इस तरह से कॉस्ट कटिंग दोस्तों किया जा सकता है। एक चीज़ का और ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो वार्ड्रोब होता है, अलमीरा होता है, उसको लगाने के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जो अलमीरा बनाया गया है, तो 10 इंच का दीवार है, बाहरी दीवार है, तो यहाँ पे दोस्तों अलमीरा बनाने के लिए, चूंकि एक्स्ट्रा स्पेस मिले इसके लिए 5 इंच का ही दीवार दिया गया है। तो ये चीज़ अपने अनुसार देख सकते हैं कि आपके एरिया में सेफ्टी वगैरह का क्या कंडीशन है, इस अनुसार भी आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं, और बाकायदा अगर सब कुछ सही है तो इस तरीके का भी जगह का आप जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं, इससे आपको 5 इंच एक्स्ट्रा जो है वो जगह अलमीरा के लिए आपको मिल रहा है। और अंदर के दीवार जो है, 2 बेडरूम है, आप देख सकते हैं एक बेडरूम ये हो गया, दूसरा बेडरूम ये है, ये हॉल है, और इसको आप चाहे तो दोस्तों किचन या फिर गेस्ट रूम किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलमीरा वगैरह भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ये एक यहाँ पे हॉल है।
यहाँ पे बाथरूम आपको देखने को नहीं मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों किचन भी आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सोच है दोस्तों कि बाथरूम घर के अलग बनाया जाए और किचन के लिए दोस्तों अलग से व्यवस्था ना करना, ये बहुत ही पुरानी सोच को दर्शाता है दोस्तों। तो ये अपने अनुसार दोस्तों आप जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ कहाँ पे बनवाना है। बाकायदा पैसे की कमी अगर है आपके पास में तो आप कहाँ कहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो फिर मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।